गुड मॉर्निंग बच्चों. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. बट इन लिविंग थिंग्स वी आर हैविंग टू पार्ट्स, टू कैटेगरीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स. बट टुडे इन टुडेज क्लास वी आर ओनली टेकिंग द प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. नाउ क्लासिफिकेशन, पहले मैं बता दूँ, आप पहले भी कर चुके हो. क्लासिफिकेशन मीन्स कैटेगरीज में डिवाइड करना, ठीक है, सो दैट हम उनको अच्छे से स्टडी कर सकें. वी आर हैविंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन अर्थ, है ना. सभी को पढ़ना, एक साथ इकट्ठा पढ़ना ईजी नहीं है. लेकिन अगर हम ये देखें कि कुछ प्लांट्स एक जैसे हैं, बाकी के कुछ प्लांट्स की कुछ क्वालिटीज़ मिलती हैं, तो उनके जो करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं और जो नहीं मिलते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं. अलग अलग ग्रुप्स में बांटने को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है. जैसे आपने लिविंग थिंग्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स, आपको पता है उनके उनके करेक्टरिस्टिक्स अलग हैं कि वो स्टेशनरी रहते हैं, है ना, एक जगह पे रहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना. लेब एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं. सो एनिमल्स मूवमेंट करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, फूड अपना खुद नहीं बनाते हैं. सो ये एक अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स है जिनको हमने स्टडी किया और स्टडी करके दो कैटेगरीज में बांट दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है. अब प्लांट्स भी हमारे बहुत सारी तरह के हैं, तो इसी तरह से देखते हुए, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हुए, वी आर क्लासीफाइंग plants into different categories. So we are moving to our categories. The first one is on the basis of height, size and shape. Height, size or shape ke according hum dekhte hain, to we are having three main categories: herbs, shrubs and trees. Ye three main categories hain: herbs, shrubs and trees. Then herbs पे आते हैं बेटा हम. These are very small plants, बहुत छोटे छोटे, जैसे grasses आपको दिखते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे plants होते हैं. इनकी जो height होती है वो कुछ centimeters से एक meter तक mainly लंबी होती है. और इसके जो stem होते हैं वो green होते हैं और बहुत soft होते हैं, ठीक है, wood नहीं होती इसमें. इसके examples हैं vegetables, grasses and many flowering plants. बहुत सारे flowering plants होते हैं, छोटे छोटे जो आपको दिखते हैं. parks में जाते हो तो छोटे छोटे flowers आपको दिखाई देते हैं. even seasonal flowers होता है, marigold है, ये सारे herbs में आते हैं. okay, then shrubs पे आते हैं हम. shrubs का size अगर हम देखें, they are medium size. वो 1 meter से लेके 3 meters तक होते हैं. और एक्सेप्शनल कुछ शर्ब्स हैं जो 6 meter से 8 meter तक भी पहुंच जाती हैं. देन इनकी जो अपीयरेंस होती है वो बुशी होती है, झाड़ियों की तरह लगते हैं. और इनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, वुड की तरह, जैसे आपका कॉटन प्लांट होता है, रोज प्लांट होता है, ये होते हैं शर्ब्स. ओके, देन हम आए ट्रीज पे. ट्रीज जो होते हैं आपको पता ही है, टॉल और बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना. देन स्ट्रॉन्ग और वुडी स्टेम्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनका स्टेम जो होता है वुडन होता है. देन नीम, पीपल एंड मैंगो, ये इसके एग्जांपल्स हैं किसके, ट्रीज के. ट्रीज आपने देखे ही हुए हैं, है ना. Then if we are going on the basis of lifespan, अगर हम life देखें plants की, तो then also we are having three categories: annuals, biennials and perennials.
तो एनुअल देखो एक साल के ऊपर डिपेंड वो नेम बना है ये. एनुअल मीन्स 1 ईयर, बाइनियल मीन्स 2 ईयर, एंड पेरेनियल्स मीन्स मैनी ईयर्स. सो नाउ वी आर कमिंग टू पेरेनियल, सॉरी एनुअल. देखो इसमें एनुअल का एग्जाम्पल दे रखा है पी प्लांट, देन रेडिश. बाइनियल का दे रखा है रेडिश, ठीक है. देन मैंगो, मैंगो इज पेरेनियल जो काफ़ी साल तक जिंदा रहता है. देन एनुअल्स पे आएंगे हम. देखो एनुअल्स, एनुअल्स जो होते हैं वो 1 साल के लिए जिंदा रहते हैं. दे लिव ओनली फॉर 1 सीजन. देन जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे गेंदे का फूल होता है, मैरीगोल्ड होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, और जो क्रॉप्स जैसे वीट की क्रॉप वगैरह हम उगाते हैं, ये सारे एनुअल्स होते हैं. देन बायनियल्स पे हम आ गए. बायनियल्स जो है 2 सीजन्स के लिए रहते हैं. तो 1 सीजन में ही अपनी फुल ग्रोथ करते हैं, फुल वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, और 2nd ईयर में इसके ऊपर फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश एंड टर्निप, ठीक है, टर्निप, शलगम. देन पेरेनियल्स पे हम आते हैं. पेरेनियल्स दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. देन दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मैनी टाइम्स इन देयर लाइफ स्पैन. जैसे मैंगो ट्री बन गया, अब वो हर गर्मी के सीजन में आपको फ्रूट देगा, है ना. सो मैंगो, गुआवा, नीम, ये सारे पेरेनियल्स हैं. ओके, देन वी आर कमिंग ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स. ऑन द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स वी आर हैविंग 2 कैटेगरीज. बड़ी सिंपल सी बात है, तो आप बता ही सकते हैं ना. एक कैटेगरी जो फ्लावर, जिनके ऊपर फ्लावर्स उगते हैं, और एक वो कैटेगरीज जिनके पास कोई फ्लावर नहीं होते. जिनके ऊपर कोई फ्लावर नहीं उगते वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए. सो फ्लावरिंग प्लांट्स तो हमने बहुत सारे देखे हुए हैं. प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, लाइक मैंगो, नीम, रोज, सनफ्लावर एंड ग्रासेस. एंड द प्लांट्स विच डू नॉट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो यू हैव टू रिमेंबर एंड लर्न द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक एल्गी, मोसस, मशरूम एंड फर्न. दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो बेटा दिस वॉज द बेस ऑफ फ्लावर्स. देन वी आर कमिंग ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट मतलब कहाँ वो रहते हैं, कहाँ वो उगते हैं. ऑन द बेसिस, पहले तो हैबिटेट क्या होता है, वो प्लेस, वो जगह जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, अपना फूड लेते हैं और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इंटरैक्ट करते हैं. दैट प्लेस इज नोन एज हैबिटेट. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को एक प्लेस के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लेते हैं. अडाप्ट मतलब आदत उनकी हो जाती है उस जगह पे रहने की, ठीक है. सो जैसे एक हैबिटेट हो गया लैंड, ज़मीन पे उगने वाले प्लांट्स, एक हैबिटेट हो गया प्लांट वाटर वाला, एक्वाटिक, जो प्लांट्स में, प्लांट्स वाटर में उगते हैं, ठीक है. सो इसी तरीके से वी आर हैविंग द मेन 2 कैटेगरीज, दैट इज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. बट टेरेस्ट्रियल पे भी अगर हम ये देखें तो 2 कैटेगरीज बन जाती हैं. तो अगर इनको टोटल हम देखें तो मेजोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स. जो एक्वेटिक हैबिटेट्स होती हैं वो हो गई पोन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस. पोन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस, इनमें प्लांट्स होते हैं. टेरेस्ट्रियल देखो कौन कौन सी हो गई, डेजर्ट्स, माउंटेन्स या ग्रासलैंड्स. ओके, सो ऑन दिस बेसिस वी आर हैविंग 3 कैटेगरीज, मेजोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स. मेजोफाइट्स जो होते हैं वो लैंड पे रहते हैं, जीरोफाइट्स जो होते हैं वो डेजर्ट्स में उगते हैं, और हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो पानी में उगते हैं. ओके, सो मेजोफाइट्स देखो दे ग्रो ऑन लैंड, इनको पानी भी बहुत कम चाहिए. देन इनकी जो रूट्स होती हैं वो मीडियम साइज़ की होती है, ना ज़्यादा लंबी होती है ना ज़्यादा छोटी होती हैं. जो इनकी लीव्स होती हैं वो भी ग्रीन होती हैं, नॉर्मल ग्रीन लीव्स होती हैं.
Then the example we are taking is simple mango tree and apple tree. Now, if we are coming to next, xerophytes, then xerophytes, they grow in deserts और इनको पानी बहुत कम चाहिए. इनकी जो रूट्स होती हैं बहुत लंबी, बहुत नीचे तक जाती हैं सैंड के. डेजर्ट में तो सैंड ही होती है, सैंड में काफ़ी नीचे तक जाती है. और इनकी जो लीव्स होती हैं वो पतले पतले कांटे होते हैं. उन कांट वो जो कांटे होते हैं वो उनकी लीव्स हैं. तो जो कांटों की वजह से क्या होता है कि इनका जो वाटर होता है वो लॉस नहीं होता है. जो नॉर्मल ट्रीज़ हमारे पास यहाँ पे मिलते हैं ना, वो ट्रीज़ की बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, तो उनमें से ट्रांसपीरेशन होती रहती है, इवेपोरेशन होती रहती है. मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद जो पानी बचता है ना वो हवा में चला जाता है, जिसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं. ओके, लेकिन ज़ीरोफाइट्स के जो लीव्स होती हैं वो बिल्कुल कांटे होते हैं, तो इनमें से पानी बिल्कुल नहीं उड़ता, तो उनके अंदर पानी स्टोर रहता है काफ़ी काफ़ी टाइम तक. इस वजह से इनको पानी कम चाहिए होता है. ठीक है, इनका एग्जाम्पल है कैक्टस एंड बबूल. देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स बेटा पानी में रहते हैं, ग्रो इन वाटर. देन दे नीड मैक्सिमम वाटर, सबसे ज़्यादा पानी चाहिए हाइड्रोफाइट्स को. इनकी रूट्स या तो होती नहीं है, होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं. देन जो अब पानी में रहेंगे, पानी में अगर सिंपल लीव्स होंगी तो वो तो गल जाएंगी ना बेटा, तो इनके ऊपर थिन फिल्म, जैसे आपकी बुक के ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होती है कि उसके ऊपर पानी गिर जाए तो भी उसको ख़राब नहीं कर पाता है, इसी तरीके से इनकी लीव्स के ऊपर एक थिन फिल्म लगी चढ़ी हुई होती है, बिल्कुल प्लास्टिक कवर की तरह, बट वो प्लास्टिक नहीं होता है, वाटर प्रूफ मटीरियल होता है कोई. ठीक है, जिसके ऊपर पानी का असर नहीं होता है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है लोटस एंड वाटर लिली. देन वी आर कमिंग ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन्स वो कैसे खाते पकाते बनाते हैं, पकाते तो हैं नहीं ना ऑब्वियसली, तो अपना वो खाना कैसे लेते हैं, है ना. तो अगर खाना कैसे लेते हैं वो देखें तो मेनली टू कैटेगरीज हैं, ध्यान से देखो, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन. जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स. और हेट्रो मीन्स अदर्स एंड ट्रॉफ्स मीन्स न्यूट्रिशन. तो जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स. सो हेटरोट्रॉफ्स भी दो तरह के होते हैं, एक सैप्रोफाइट्स और एक पैरासाइट्स. ओके, अब इनको डिटेल में देखते हैं. ऑटोट्रॉफ्स देखिए जी, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, वाटर लेकर और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर अपना फूड बनाते हैं. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं. ठीक है, दीज आर ऑटोट्रॉफ्स. नाउ हेटरोट्रॉफ्स, हेट्रो मैंने फिर बता रही हूँ, हेट्रो मीन्स अदर्स, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, किसके लिए, ट्रॉफ के लिए. ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, फाइन. देन हेटरोट्रॉफ्स की टू कैटेगरीज मेनली होती हैं, सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स. जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो जो बॉडीज, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स मर गए हैं, उन वो डीके होते जाएंगे ना मिट्टी में, डीके डिकम्पोज होते जाएंगे मिट्टी में. अब उनके ऊपर फीड करके जो उगते हैं, जैसे मशरूम, ठीक है, वो होते सैप्रोफाइट्स. क्या होते हैं वो, सैप्रोफाइट्स, मशरूम एंड फंगस. और अगर जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट वो दूसरे की बॉडी के ऊपर रहते हैं, उनकी अपनी कोई रूट नहीं होती, वो अपना कोई फूड नहीं बना सकते, वो चोरी करते हैं दूसरे के अंदर. जैसे डोडर प्लांट, इसकी कोई लीफ भी नहीं होती, कोई रूट नहीं होती, ये दूसरे प्लांट के अंदर ऊपर लिपट जाती है,
लिपट के उसके जो अपने जो मेन जो उसकी रूट्स होती हैं वो उसके प्लांट के अंदर डाल देती है, जिससे जब वो प्लांट का फूड ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ से वो फूड ले लेती है और ग्रो करती जाती है। तो इसके एग्जांपल्स हैं बेटा डोडर एंड ऑर्चिड्स। फाइन, सो दिस वाज टुडेज टॉपिक एंड बच्ची यू हैव टू रीड ऑल द टॉपिक्स, ऑल दीज टॉपिक्स एंड लर्न द डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, एनुअल्स क्या होते हैं, बाइनियल्स क्या होते हैं, पैरेनियल्स क्या होते हैं, विद एग्जांपल्स इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। बेटे थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, सो एक्टिविटी नंबर 5 है बेटा, यू हैव टू डू इट इन योर बुक। कोई भी नेम लो प्लांट का और वो लिखो, आपके चाहे आपके घर में हो, चाहे पार्क में देखो, चाहे गार्डन में देखो, तो उसको आप बताओ उसके हाइट के अकॉर्डिंग हर्ब है, शर्ब है या ट्री है। तो आप ये देख सकते हो कि आपकी 1 साल रहता है या 2 साल रहता है या 3 साल, तो उससे भी ज़्यादा रहता है एनुअल, बाइनियल एंड पैरेनियल। अब फ्लावर्स उस पर आते हैं तो फ्लावरिंग है, अदरवाइज नॉन फ्लावरिंग है। ठीक है, लैंड पे है तो मेसोफाइट है। ये सारे फैक्टर्स आपको देखने हैं, कैटेगराइज करने हैं। नाउ दिस इज़ योर होमवर्क एक्टिविटी नंबर 5 एंड टू लर्न ऑल दीज डेफिनेशंस। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।